कई बार हमारा बजट जो है वो कम होता है और हम भी चाहते हैं कि हमारा पेट्रोल का खर्चा जो है वो खत्म हो जाए, और पेट्रोल का खर्चा खत्म करने के लिए हम भी चाहते हैं कि हम एक इलेक्ट्रिक स्कूटर परचेज कर लें। बट आज की डेट में मौजूदा मार्केट में जो इलेक्ट्रिक स्कूटर आते हैं वो काफी ज्यादा हाई प्राइस के आपको देखने के लिए मिलते हैं, बट ऐसा नहीं है। कुमाकी ने अपना एक नया इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है वो लॉन्च किया है। ये इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको कुमाकी फ्लोरा के नाम से देखने के लिए मिलेगा, और सबसे बड़ी बात जो है इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का जो प्राइस इसका आपको देखने के लिए मिलेगा 78,999 रुपीज। इसके साथ साथ इसमें आपको मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू कनेक्टिविटी भी देखने के लिए मिलेगी, और आपको इसमें ब्लूटूथ स्पीकर भी देखने के लिए मिलेगा। तो आज इस वीडियो में हम यही चेक करेंगे कि कुमाकी के इस इलेक्ट्रिक स्कूटर फ्लोरा में क्या क्या स्पेसिफिकेशन हमको दी जाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों को इस तरह के इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की वीडियो पसंद है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोगों की मदद करता हूँ आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इसके लुक एंड डिजाइन की। तो लुक एंड डिजाइन में ये इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है वो आपको एक रेट्रो लुक इलेक्ट्रिक स्कूटर देखने के लिए मिलेगा। एक ट्रेडिशनल इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की तरह देखने के लिए मिलेगा, जैसे हमारे पुराने स्कूटर्स आते थे उसी लुक एंड डिजाइन में आपको ये इलेक्ट्रिक स्कूटर देखने के लिए मिलेगा। और इसके बाद बात करूं इसकी हेडलाइट की, तो फ्रंट में आपको राउंड शेप की हेडलाइट देखने के लिए मिलेगी। इंडिकेटर आपको इसका फ्रंट पैनल में देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद बात करूं अगर मैं इसमें कलर ऑप्शन की, तो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको चार कलर ऑप्शन में देखने के लिए मिलता है। पहला है ब्लैक, दूसरा है ग्रे, तीसरा है मेहरून और चौथा है इसका ब्लू कलर। इसके बाद बात करूं अगर इसकी फुटबोर्ड की, तो इसमें आपको फ्लैट फुटबोर्ड देखने के लिए मिलेगा, व्हाइट सीट देखने के लिए मिलेगी। और इसके साथ साथ जो सबसे अच्छी बात मेरे को इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में लगी वो ये कि इसमें आपको बैक रेस्ट भी देखने के लिए मिलेगा। मींस आपका जो पिलियन है उसकी भी जो राइड है वो काफी ज्यादा यहाँ कंफर्टेबल होने वाली है। इसके बाद बात करते हैं इसके फ्रंट साइड की, तो इसमें आपको फ्रंट में 10 इंची व्हील देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आपको 90x90 का टायर देखने के लिए मिलेगा। और वहीं बात करो अगर रेयर की, तो रेयर में आपको 100x90 का ट्यूबलेस टायर देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद बात करो अगर मैं सस्पेंशन की, तो फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने के लिए मिलेगा। और वहीं बात करो अगर मैं रेयर की, तो रेयर में आपको स्प्रिंग एडजस्टेबल सस्पेंशन देखने के लिए मिलेगा। बात करो अगर मैं ब्रेकिंग की, तो यहाँ पे फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिलेगा और रेयर में आपको ड्रम ब्रेक देखने के लिए मिलेगा। ब्रेकिंग के बाद बात करूं अगर मैं इस गाड़ी की टॉप स्पीड की, तो इस गाड़ी में आपको 70 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड देखने के लिए मिलेगी। इस गाड़ी में आपको तीन राइडिंग मोड देखने के लिए मिलेंगे। एक है इको, जिसमें आपको 30 किलोमीटर की मैक्सिमम स्पीड देखने के लिए मिलेगी। दूसरा है इनका सिटी मोड, जिसमें आपको 45 किलोमीटर तक की मैक्सिमम स्पीड देखने के लिए मिलेगी। इनका चौथा मोड है टर्बो मोड। इस टर्बो मोड में आपको जो टॉप स्पीड है वो देखने के लिए मिलेगी 70 किलोमीटर पर आवर की। तो गाइस ये बात हुई इसके लुक एंड डिजाइन की और इसकी नॉर्मल जो स्पेसिफिकेशन है उसकी। अब बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन की, मींस इसकी मोटर की, इसकी बैटरी की। तो चलिए आइए देखते हैं। तो गाइस कुमाकी के इस इलेक्ट्रिक स्कूटर फ्लोरा में आपको BLDC मोटर देखने के लिए मिलेगी, जो कि 3 किलोवाट की मोटर यहां पे आपको दी गई है। अब गाइस ये जो मोटर है वो आपको 70 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है वो मैक्सिमम स्पीड आपको प्रोवाइड करता है। तो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर आ जाता है आपका एक हाई स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर में, तो इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत होगी, इंश्योरेंस की जरूरत होगी और इसे चलाने के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस की भी जरूरत होगी। तो गाइस ये बात हुई इसकी मोटर की। अब इस मोटर को पावर देने के लिए यहाँ पे आपको लिथियम फॉस्फेट बैटरी दी गई है। लिथियम फॉस्फेट बैटरी के बारे में बताना चाहूंगा। लिथियम फॉस्फेट बैटरी का जो हाईएस्ट टेम्परेचर जाता है वो जाता है आपका 72 डिग्री तक का। अब वही बात करूं लिथियम आयन की, तो लिथियम आयन का जो मैक्सिमम जो टेम्परेचर जाता है वो 52 से 55 डिग्री तक का जाता है। तो लिथियम फॉस्फेट बैटरी जो होती है वो काफी ज्यादा सेफ बैटरी मानी जाती है, जो कि इस प्राइस रेंज पे मेरे को काफी अच्छा लगा कि इस प्राइस रेंज में कुमाकी ने अपने फ्लोरा इलेक्ट्रिक स्कूटर में हम लोगों को प्रोवाइड करी। अब इस बैटरी के साथ इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की जो हाईएस्ट रेंज जाती है वो जाती है 100 किलोमीटर की। और अगर बात करूं इसके चार्जिंग टाइम की, तो कंपनी क्लेम करती है कि 4 आवर्स में ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो 0 to 100% कंप्लीटली चार्ज हो जाता है। और अगर मैं यहाँ पे बैटरी की ही बात कर रहा हूँ, तो यहाँ मैं बताना भी चाहूंगा इनकी जो बैटरी है वो काफी ज्यादा स्मार्ट है और ये एप्लीकेशन के थ्रू आप इसमें से पूरी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं कि इसमें जो टेम्परेचर है वो कितना चल रहा है, इवन इसमें आपको कितनी चार्जिंग है और कितनी चार्जिंग इसकी रिमेनिंग है, आप कितने किलोमीटर तक की आपकी रेंज जो है वो आपको मिल सकती है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कुमाकी की एप्लीकेशन पे जो है वो इजीली मिल जाती है। और यहाँ पे मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको ब्लूटूथ स्पीकर भी मिलता है, जिससे आप अपनी राइडिंग को म्यूजिक के साथ एंजॉय कर सकते हैं, जैसे ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर में करते हैं। इसी के साथ साथ अगर बात करूं मैं इस गाड़ी के एडिशनल फीचर की, तो इस गाड़ी में आपको रिवर्स
रिवर्स मोड भी देखने के लिए मिलेगा और क्रूज कंट्रोल भी देखने के लिए मिलेगा। तो ये काफी अच्छा फीचर है एक प्राइस टैग पे जो कि 78,999 का है। इस प्राइस टैग पे ये सारे फीचर्स जो है मेरे को काफी अच्छे लगे। और एक चीज और बताना चाहूंगा यहाँ गाइस कि इस गाड़ी में आपको एक सेल्फ एरर डायग्नोस्टिक मोड भी देखने के लिए मिलेगा। अगर गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आती है तो इसकी नोटिफिकेशन आपको जो आपका स्पीडोमीटर है जो फ्रंट पैनल पे है वहां पे आपको इसके सारे नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अगर आपकी गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इजीली डायग्नोस करके उसे फिक्स भी कर सकते हैं। तो गाइस जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कुमाकी का ये इलेक्ट्रिक स्कूटर फ्लोरा जो है वो अभी आपको इंट्रोडक्टरी प्राइस मीन 78,999 रुपीज में देखने के लिए मिलेगा। आपको ये इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है वो कैसा लगा, आपको कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है सबसे ज्यादा पसंद है, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप लोगों को इस तरह की इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक बाइक और इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की वीडियो पसंद है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आप लोगों की मदद करता हूं आपके नेक्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने में। थैंक यू।